हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जहां पर आपके 60 प्लस प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 106 से। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केप कमोरिन तो किसे जाना जाता है, ये अब आपके भारत का राज्य कौन सा है। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, अर्थात कन्याकुमारी को हम लोग केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपका जो केप कमोरिन या कन्याकुमारी आपका है कहाँ पर, तो देखिए आपका ये भारत का दक्षिण भारत है और ये आपका तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में आपका जो सबसे अंतिम बिंदु है हमारी पृष्ठभूमि का, हमारे भारत के, वो आपका कन्याकुमारी है। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये तमिलनाडु जो है इधर वाला स्पर्श करता है आपके बंगाल की खाड़ी को, और इधर साइड स्पर्श करता है अरब के सागर को, और नीचे स्पर्श करता है आपके किसको, आपके हिंद महासागर को। अर्थात कह सकते हैं कि एक आपका ऐसा राज्य है जो तीन महासागरों को स्पर्श करता है, तमिलनाडु। ठीक है, जहाँ पर आपका स्थित है कन्याकुमारी। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, बोलते हैं सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक चोटी है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले अंडमान की कौन है, तो सैडल पीक बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि निकोबार की, ठीक है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी माउंट धुलियार। ठीक है, माउंट धुलियार आपकी निकोबार की है। वैसे आपका ऑप्शन कौन हो गया सही, सैडल पीक, जो कि अंडमान और निकोबार बोल दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंडमान व निकोबार ये आपकी कहाँ पर है, तो ऑप्शन 108 का हो जाएगा कौन सा, आपका बी, अर्थात बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ठीक है, आपको बता दें कि भारत में जो द्वीप हैं आपके 247 हैं। ठीक है, 247 द्वीप हैं, जहाँ पर आपके 43 द्वीप आपके मिलते हैं कहाँ पर, आपके अरब सागर में। ठीक है, आपको मैप के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए, ये आपका अरब सागर है, यहाँ पर आपके 43 आपके द्वीप हैं। द्वीप मतलब क्या होता है, ऐसा भूक्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे द्वीप बोलते हैं। यहाँ पर आपके अरब सागर में 43 हैं, आपके 204 आपके कहाँ पर हैं, आपके बंगाल की खाड़ी में है। हाँ, कभी कभी ऑप्शन में 222 हो जाता है, मतलब कि 200 से ऊपर होना चाहिए, और 200 से ऊपर होगा और जो मैक्सिमम उसके पास में होगा वही आपका आंसर होगा। अर्थात 247 की 43 आपके यहाँ पर हैं, 204 आपके कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ भी गया वही कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 200 तो होगी नहीं, उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा आपका मतलब 222 होगी, क्योंकि हमने बताया 204 होती है, तो 204 के ऊपर जितना भी हो जाए तो आपका पहला पॉइंट कौन मिल रहा है, 222 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ये किसको करता है, तो आपके अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, अर्थात जो आपका अंडमान है और निकोबार है, इन दोनों के बीच से आपका 10 डिग्री चैनल आपका पृथक करता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, बैरेन द्वीप अवस्थित है, बैरेन द्वीप ये आपका कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, यहीं पर आपका जो आपका द्वीप समूह अर्थात बैरन द्वीप है, यहीं पर आपका बैरन आपका क्या है, एक ज्वालामुखी है, जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, और भारत का और साथ में एशिया का जो आपका है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। ठीक है, और एक आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि आपकी यहीं पर आपका है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये आपका कहाँ पर है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, पुलिकट झील के समीप। ठीक है, पुलिकट झील के समीप, और ये श्रीहरिकोटा वैसे राज्य कौन पड़ता है, तो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर आपका है, जो कि पुलिकट झील के समीप है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, राम सेतु अर्थात ये आपका जो राम आपका ब्रिज बना है, ये आपका कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपका जो शुरू होता है आपके धनुषकोड़ी से शुरू होता है, कहाँ से, धनुषकोड़ी से आपका शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो हमने बताया कि आपका ये भारत है, और भारत का ये वाला एरिया होता है, ये आपका है कौन सा, अरब सागर।
ठीक है, और वहीं पर आपका द्वीप आपका बसा हुआ है जो कि केंद्र शासित आपका लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन हो गया आपका बी, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर चार ऑप्शन देखते हैं और चार ऑप्शन में आपका जवाब हो जाएगा आपका डी, अर्थात जो आपका लक्षद्वीप है ये आपके प्रवाल से बना है। ठीक है, मतलब अभी बताया कि आपका जो भारत है तो भारत में ये प्रवालों से बना हुआ आपका द्वीप है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू कहाँ पर स्थित है आपका, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम भारत में, अर्थात आपका यहाँ पर ये जो भारत है तो आपका दक्षिण आपका ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो ये बीच में हो गया दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल से, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर चलिए यहाँ पर 117 नंबर कह रहा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रवाल उत्पत्ति है। ठीक है, प्रवाल से उत्पत्त हुआ आपका ये द्वीप है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। हमने बताया था कि अरब सागर में आपके कितने हैं, आपके 43 हैं, कितने हैं 43 हैं, लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 36, कितने 36, और 36 में 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर जीवन अर्थात मनुष्य लोग रहते हैं। 118 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा से सुदूरस्त द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये आपके भारतीय तटरेखा से सुदूरस्त श्रेणी में आता है, ये आपका कौन सा द्वीप है, आपका 119 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात मिनिकाय। ये मिनिकाय आपका कहाँ पड़ता है, तो देखिए आपका अभी हमने बताया कि भारत है और भारत में आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का जो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है, दक्षिणतम द्वीप है, वही आपका मिनिकाय है। याद आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रामेश्वरम। कौन, रामेश्वरम। तो देखिए आपका ये भारत है, ठीक है, और भारत में यहाँ पर आपका जो श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका में ये तमिलनाडु है, तो इस एरिया में आपका पड़ता है रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम यहाँ पर यहाँ पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर बताइए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर बताइए। ये आपका नगर आपका कौन है, मुंबई है। कौन है, मुंबई में। ठीक है, आपका भारत कहाँ पर है, ऐसे है, और भारत में ये आपका है जो कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ही आपका नगर है कौन सा, यहाँ पर मुंबई। मुंबई बसा कौन सा द्वीप में है, तो आपका सालसेट द्वीप है। कौन सा है, सालसेट द्वीप पर बसा है आपका मुंबई। हर एक पॉइंट को याद करिए चलते, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। चलिए यहाँ पर कह रहा है कोरी क्रीक, या इसे सर क्रीक के नाम से जानते हैं, जिसे निवेशका स्थित है। ठीक है, तो कोरी क्रीक या सर क्रीक आपकी ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये स्थित है आपके डी, अर्थात कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है। आपका जो भारत है ना, तो भारत में आपका ये वाला जो एरिया है, ये आपका कच्छ का रण है, अर्थात इसे सर क्रीक बोलते हैं। ये आपका दलदली स्थल है, और यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, और ये आपका भारत है। तो ये जो सर क्रीक है ना, ये आपका विवादित स्थल है आपके पाकिस्तान से और आपके भारत से स्थित है आपका ये विवादित स्थल है सर क्रीक। ठीक है ना, सर क्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो अभी हमने बताया था कि सर क्रीक विवाद किसके मध्य है, आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है लातूर किस प्रांत में है, लातूर किस प्रांत में है, ये आपके है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। आपके मैप में महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, अभी हमने बताया था कि आपका जो मुंबई है, मुंबई अर्थात ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपको पड़ता है लातूर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि पाट अंचल अवस्थित है, अर्थात जो पाट अंचल अवस्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन राइट हो जाएगा झारखंड। कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं, 126 का ऑप्शन राइट आपका ए, आंध्र प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में एक खदान पड़ती थी आपके गोलकुंडा खदान, तो गोलकुंडा की खदान से आपका निकला था भारत का कोहिनूर, इसीलिए यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया है इसके लिए। भारत का कोहिनूर किसे बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मणिपुर का अधिकांश
धरातल है। तो मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है वो किस प्रकार से है, तो ऑप्शन आपका पर्वती, कौन पर्वती आपका, ये मणिपुर पड़ता कहाँ पर है, ठीक है, मणिपुर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका जो एरिया है, ठीक है, अर्थात ये वाला एरिया है ये मणिपुर है जो कि पर्वती के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि मणिपुर में कुछ लोग लटकती हुई गाद से बने अप्रतप्त और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं, इन द्वीपों को कहते हैं, तीन द्वीपों को क्या कहते हैं, 128 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, उसे बोलते हैं हम लोग फूमड़ी, क्या बोलते हैं, फूमड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहे आपसे भारत के किस राज्य को सिल्कान स्टेट के नाम से जाना जाता है, सिल्कान स्टेट से, तो ये आपका कौन सा है, तो आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक है, तो कर्नाटक में पर बंगलौर है ना, ठीक है, इसी कारण ये जो सिल्कान स्टेट है तो आपका कर्नाटक अर्थात बंगलौर को जानते हैं, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहे आपसे भारत में सिल्कान वैली स्थित है, तो अभी हमने बताया था कि सिल्कान वैली कहाँ पर है, तो आपके जो कर्नाटक में आपका बंगलुरु पड़ता है, तो बंगलुरु में है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे आपसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका कौन है, दिल्ली, तो इसमें आपका कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो 31 में ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, पंजाब का भाग आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत नहीं आता है, वही हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भाग आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम क्षेत्रफल पूछ रहा है, और ये नहीं कह रहा है कि इन चार ऑप्शनों में सबसे कम ही बताना है, ठीक है ना, तो इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। वैसे आपका भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, गोवा का है, लेकिन इन चार ऑप्शनों में आपका जो हो जाएगा कौन सा, तो 132 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात तमिलनाडु का है, किसका है, तमिलनाडु का है। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य बताइए, तीन बड़े राज्य पूछ रहा है, तो 133 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अर्थात सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, चौथा नंबर आपको किसका आता है, आपके उत्तर प्रदेश का आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ठीक है, इन चार ऑप्शनों में सबसे छोटा यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका, देखिए इसका नाम तो आया था, इसका भी आया था, इसका आया था, इसका मतलब कौन हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है, ये तीन राज्य कौन, अर्थात 30% भाग आपका जो है ये तीन राज्यों में, ये आपके कौन से तीन राज्य हो जाएंगे, तो वही आपका राज्य हो जाएगा आपका कौन सा, जो अभी आपने पढ़ा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बताइए, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से ये तीसरा है लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 136 का डी, अर्थात ये आपका है बिहार, कौन है, बिहार है, ये जनसंख्या के हिसाब से तीसरा आता है लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन आता है, 12वां नंबर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे आपसे असम, अर्थात जो असम था ना, वो असम है, उसी का नाम असम है, कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, तो जो आपका असम है ये आपके कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश है, 137 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, अर्थात 7 राज्यों और केंद्र शासित मिलाकर घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे निम्नलिखित नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो सर्वाधिक ऊंचाई जो कि समुद्र तल से है ये आपकी किसकी है, 138 का ऑप्शन ए, अर्थात आपका बंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, 138 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बंगलुरु है, ठीक है। समुद्र तल की बात कर रहा है, ये मत सोचना कि आपका ये भारत होता है और भारत आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, आप दिल्ली तो भाई यहाँ होती है, समुद्र यहाँ पर, ऐसा नहीं है, आप एक प्लेन एंगल में सोचिए, प्लेन एंगल में समुद्र नीचे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तब आपका बंगलुरु आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे आपसे कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, ये आपका नई चीज़ें क्या हैं, तो समझ लीजिए आपका जो भारत है, ठीक है, तो भारत में ये आपका जो पर्वतीय एरिया आता है, ठीक है, पर्वतीय एरिया, ये वाला एरिया, ये यहाँ पर आपके 7 राज्य हैं, ये 7 राज्य होते हैं उन्हें बोलते हैं 7 सिस्टर, ठीक है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, ये सभी जो एरिया आते हैं 7 सिस्टर में आते हैं, तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा आपका नहीं आता है, तो ये आपका कौन सा नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका 147 का हो जाएगा, कौन सा, तो आपका बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका 7 सिस्टर में नहीं आता है। एक पॉइंट याद रखना, अगर 7 सिस्टर की जगह अगर
आठ सिस्टर बोल दिया जाए, मान लो बोल दिया जाए तो किसे मानेंगे, तो आठवां सिस्टर आपका बनेगा जो आपका सिक्किम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी। ठीक है ना, तो आपकी ये उस समय इसकी जो राजधानी थी आपकी ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, कर्नूल थी। क्या थी? कर्नूल, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो सबसे अधिक जो जिले आपके कहाँ पर हैं, 141 का ऑप्शन राइट आपका डी अर्थात उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? तो आपके 75 आपके जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश आपका जो है ये 8 राज्यों से तथा एक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है, कुल मिला के 9 से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से छूरा है इसकी सीमाएँ। नेक्स्ट कह रहा आपसे गुजरात की राजधानी कौन सी है, गुजरात की राजधानी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन हम मानते हैं कि थोड़ा इजी है, ठीक है, लेकिन बस ये है कि चैनल से काफ़ी लोग जुड़े हैं, कोई लोअर पीसीएस तैयारी कर रहा है, कोई बिल्कुल से बिल्कुल डी ग्रुप की तैयारी कर रहा है, तो इस हिसाब में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। कभी कभी टफ पेपर आ जाता है तो बच्चे कहते हैं अरे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, और कभी इजी आ गए तो बच्चे कहेंगे क्या सर जी बिल्कुल से ऐसी कूड़ा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एक सीरीज होती है, कहीं पर आपकी लो होती है, कहीं हाई होती है, तो मॉडरेट आपकी मानी जाती है। ठीक है ना, तो गुजरात की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट 142 का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आपका सी अर्थात गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर है। निष्कर आपसे राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर। ठीक है, क्या हो जाएगी, जयपुर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, ईटानगर ये किसकी आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, और सेवन सिस्टर में आपका जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपका सबसे बड़ा आपका ये कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो राजधानी नगर यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो आपका जो बंगलुरु है ये आपका राजधानी नगर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा आपसे भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है आपके, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो देखिए आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा नहीं आएगा, तो 147 का ऑप्शन आपका ए त्रिपुरा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे सिलवासा राजधानी है, सिलवासा राजधानी है तो ये किसकी है, ऑप्शन बी दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन है हो जाएगा, यहाँ पर आपका गोवा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे आपकी प्रजाति एवं जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आ गए, अब आपके टफ मिलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर चुके होंगे कि नहीं सर पेपर तो बहुत सरल था, लेकिन अब आगे समझ में आएगा कि नहीं पेपर कैसा है। चलिए कह रहा आपसे उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है, ये उत्तर पूर्वी भाग की बात कर रहा है, समझ गए कौन सा भाग हो गया, उत्तर पूर्वी भाग के पहाड़ी जंगलों में, तो ये आपकी जो पाई जाती है 150 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जो आपका मंगोलॉयड है, यह है कौन सा क्षेत्र समझ लीजिए, आपका जो यहाँ पर आपका भारत होता है, ठीक है भारत होता है अर्थात ये आपका भारत है ये वाला, तो ये वाली जो एरिया में हो जनजाति है ना ये आपकी चाइना से आकर बसी है, जो कि मंगोलिया पड़ता है वहाँ से आकर बसी है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, ये जो एरिया वाले होते हैं जनजाति उनको मंगोलियाड कहलाते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है, अर्थात ये ऑस्ट्रेलियाइड जाति से आपके संबंधित हैं, आपके 151 का ऑप्शन राइट का सी हो जाएगी, जो संथाल है। ठीक है, संथाल है, और वैसे आपकी जो कहाँ पर पाई जाती है, वैसे कहाँ पर पाई जाती है आपके, तो ये आपकी पाई जाती है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में, और देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति आपकी वहीं पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब कई प्रकार की प्रजातियाँ आपकी यहाँ पर पाई जाती हैं आपके झारखंड में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत में जो एकमात्र मानव, ठीक है भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह कहाँ पर है, तो मानवाभ कपि जो पाया जाता है आपके ऑप्शन राइट 152 का डी हो जाएगा, जो आपका असम है ना, असम, तो असम का जो आपका श्वेतभव आपका गिबन है ये आपका एकमात्र कपि है। ठीक है, कौन, गिबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है,
तो दिवाली को शोक का त्यौहार ये मनाती है जनजाति 153 का ऑप्शन राइट डी अर्थात जो थारू जनजाति है और आपकी यूपी में पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, वो आपकी है दीपावली को शोक मनाती है। ये अपने पूर्वजों को रोटी दिया करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अपने पूर्वजों को रोटी दिया करते हैं इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है थारू लोगों का निवास कहाँ पर है, थारू लोगों का निवास स्थान कौन है। आप तो देखिए आपकी यूपी से आपका अलग हुआ कौन सा, उत्तराखंड, इसका मतलब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि आपका उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जाति है, धौलाधर श्रेणी में, तो धौलाधर श्रेणी में आपकी जो पाई जाती है वो आपकी हो जाएगी आपकी कौन, गद्दी और गद्दी। अब ये धौलाधर श्रेणी पड़ती कहाँ पर है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है और वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप जो हिमाचल प्रदेश में गद्दी गुद्दी ये आपकी पाई जाती है जनजाति, ठीक है। और ये आपकी लेपचा जनजाति ये आपकी सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है, सिक्किम में पाई जाती है। जो थारू जनजाति है, ठीक है, थारू जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, तो मैक्सिमम जनजाति आपकी थारू जो है आपकी एमपी में है, ठीक है, एमपी में है और भारत की सबसे बड़ा देखा जाए तो संघ क्षेत्र भी आपका आता है जनजाति में थारू का ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के, तो अभी हमने आपको बताया कि गद्दी लोग निवासी हैं आपके कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे संथाल निवासी, तो संथाल जो आपके हैं ये आपके जो हो जाएंगे कौन, तो आपका झारखंड के होंगे, लेकिन झारखंड के अंतर्गत ये किस क्षेत्र में पड़ता है ये भी आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो 157 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, पूर्वी भारत, अर्थात आपके पूर्वी भारत में पड़ते हैं संथाल जनजाति। नेक्स्ट कह रहे आपसे ऋतु प्रवास किया करते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो आपकी एकमात्र ऐसी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है या आपकी 158 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, भूटिया जनजाति। अब बात आती है भूटिया जनजाति पड़ती कहाँ पर है, तो देखिए आपकी भूटिया कहाँ पड़ती है, मान लीजिए आपका ये भारत है, ठीक है, भारत है और भारत में आपका पड़ता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो आपकी भूटिया है ना ये आपके उत्तराखंड क्षेत्र में ये आपकी ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, ठीक है। और भुक्सा भी जनजाति आपकी कहाँ पर है, वहीं पर है आपकी उत्तराखंड में, और जौनसारी भी है आपकी वहीं पर है और आपकी थारू भी वहीं पर पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये भूटिया है ये ऋतु प्रवास के लिए आपकी जानी जाती है, ठीक है। उन्होंने बताया कि थारू वैसे आपकी यूपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन थारू जो यूपी से अलग हुआ आपका उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड हो जाएगा, सिंपल बात है। चलिए नेक्स्ट कह रहे आपसे बोडो जनजाति कहाँ पर हैं, बोडो, तो बोडो जनजाति जो आपके पाए जाते हैं ये आपके पाए जाते हैं गारो पहाड़ियाँ में, ठीक है, कहाँ पर, गारो पहाड़ियाँ आपके मेघालय क्षेत्र में, गारो खासी जयंतियाँ है ना वहीं पर आपकी बोडो जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे आपसे गारो जनजाति, तो वहीं पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा गारो कौन सा, आपका डी मेघालय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे आपसे खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, आपके मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, ठीक है, केरल में, तो केरल में जनजाति पाई जाती है आपकी चेंचू, कौन सी, चेंचू जनजाति है आपकी केरल साइड में पाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति अभी हमने बताया था कि गोंड जो क्षेत्र है ये आपकी सबसे बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो टोडा जनजाति जो निवास करती है किस में करती है, 164 का आपका सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर करती है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो आपका जो दक्षिण भारत है तो दोनों घाट जो मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं और यहीं तमिलनाडु में आपकी मिलते हैं लगभग, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर आपकी टोडा जनजाति रहती है और यहाँ पर कह सकते हैं कि नीलगिरी की जो क्षेत्र टोडा जनजाति है आपकी कृषि करती है, ठीक है, क्या करती है, कृषि करती है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित जनजातियों में से बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, अर्थात बहुपति विवाह की जो प्रथा को मानते हैं आपके कौन मानते हैं, यहाँ पर आपका चार ऑप्शन है और राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, आपका डी, अर्थात जो टोडा जनजाति है ना ये आपके बहुपति विवाह को प्रथा को मानती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे यह एक जनजाति, अर्थात एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, सरहुल त्यौहार मनाती है वह आपकी जनजाति कौन सी है, तो ऑप्शन आपका बी अर्थात मुंडा जनजाति है, यह आपके सरहुल त्यौहार को मनाती है। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट कर आपसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति बताइए, उत्तराखंड की बात कर रहा है तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ी है आपकी कौन है, जौनसारी है, ऑप्शन राइट आपका सी, जौनसारी सबसे बड़ी उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट कर आपसे भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो भील जनजाति आपकी पाई जाती है कहाँ पर,
इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र क्षेत्र। महाराष्ट्र क्षेत्र में आपकी पाई जाती है भील जनजाति, ठीक है ना। एमपी तो दिया नहीं था, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट कह रहा आपसे सहारिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। सहारिया जनजाति, तो जो सहारिया जनजाति हैं तो ऑप्शन आपका 169 का हो जाएगा कौन सा, आपका सी राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान से क्वेश्चन भी पूछा गया था राजस्थान हाई कोर्ट में इसके बारे में कि सहारिया जनजाति कहाँ के लोग हैं, तो आपके राजस्थान के हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सिम्पियन जनजाति पाई जाती है। सिम्पियन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो 170 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी निकोबार द्वीप में आपकी पाई जाती है सिम्पियन जनजाति। आपको बता दें हमारे जो बोर्ड के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से आपको हमने जनजातियों के बारे में बताया है, अगर आप वहाँ पर टाइप करेंगे देव जी के ट्रिक जनजाति ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक्स जनजाति ट्रिक्स अगर डालेंगे तो आपकी आंसर निकल के आएगा, अर्थात सर्च करके वीडियो आएगा जो हमने बोर्ड के माध्यम से करीब आपकी 80 या 60 प्लस आपकी जनजातियां ट्रिक के माध्यम से सभी राज्यों की बताया है। यकीन करिएगा 100% आपको सभी जनजाति याद हो जाएंगी। अगर आपको नहीं याद हो रही हैं तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। आप देव जी के ट्रिक जनजाति ट्रिक बोर्ड के माध्यम से हमने पढ़ाया है उसको सर्च कर लीजिए, आपको पूरी ट्रिक आपको मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर हमने क्वेश्चन बता दिया नहीं, हाँ ठीक है चलिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो औंज जनजाति के जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, 171 का ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में औंज जनजाति या कभी कभी औंग लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, 172 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा जरवा जनजाति, ये आपकी भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। नेक्स्ट कह रहा आपसे झूमिंग करते हैं, झूमिंग करते हैं तो ये झूमिंग कौन करते हैं, आपका देखिए आपके चार ऑप्शन है, ठीक है, और इस वीडियो के नीचे आपके देखिए आंसर आपके दे दी गई है, अर्थात पीडीएफ दे दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे जो क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी जनजाति है जो झूमिंग कृषि करती है। झूमिंग कृषि एक स्थानांतरित खेती होती है, ठीक है ना, कुछ साल करते हैं इसके बाद दूसरी जगह करते हैं, तो ये इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा और हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो धीरे धीरे करके देख सकते हैं आप, मतलब कि अच्छी तरीके से ज्योग्राफी आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।